अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं DKNews TV। दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम अहले वतन और अहले इस्लाम को दिली ईद मुबारक। मुझे पता है आप अभी मसरूफ़ होंगे ईद कुर्बानी करने में, कुछ दोस्त अपनी बहनों बेटियों को रोटी देने में। मैं आज इंशाल्लाह हम जुड़े रहेंगे आपके साथ ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में। तो हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप देखें और अपनी राय हमें आज इज़हार करें। DKNews TV आपका अपना चैनल आपके अपने घर में। दोस्तों, आज ईद के इस खूबसूरत मौके पर अपने करीबी रिश्तेदारों को खुशियों में शामिल करें। अपने हमसाए में कोई गरीब है, कोई मसलन, ये ज़रूरी नहीं कि आप जाकर किसी दूर पहले अपने ख़ानदान में नज़र दौड़ाएं, फिर आगे इस तरह जहाँ तक हो सके, जितना हो सके ईद की खुशियों में गरीबों के पास जाएं, थोड़ा दें, कम दें। आपका जाना उनके लिए करोड़ों रुपए की मुनासबत रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह अच्छा दिन गुजरेगा, अच्छी बातें होंगी, अच्छे अच्छे मेहमान होंगे। सब दोस्तों को राजा मुश्ताक की तरफ से दावत है कि अपना व्हाट्सएप मैसेज हमें रिकॉर्ड कराएं, हमारे साथ लाइव आएं या अपनी वीडियो बनाकर हमें दें। इंशाल्लाह इस ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में हम चलाएंगे और आज चलती रहेगी। 10 बजे से दिन रात 12 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आप हमारे आने वाले मेहमानों से कुछ सवाल करना चाहें तो व्हाट्सएप के ज़रिए नीचे नंबर चल रहा है, तो आप उस पर मसलन शामिल हो सकते हैं। और आप अपने जो अभी कुर्बानियां कर रहे हैं, बकरे की ये बड़ी कुर्बानी करते हैं, जो भी करते हैं, जहां दोस्त ईद मिलन पार्टी करते हैं, आप अपनी वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह DKN बनेगा आपकी आवाज़। और आज अभी आपको दिखाते हैं जनाब चौधरी शुजा रहमान टीपू साहब का खसूसी ईद के हवाले से पाकिस्तानी भाइयों के लिए पैगाम। इसके बाद आपको दिखाएंगे एक ईद मिलन पार्टी के हवाले से ही, वो ईद के हवाले से उमर खान गर्दई साहब का प्रोग्राम। और उसके बाद आपको दिखाएंगे मलिक मतलूब अहमद सनादा का इंटरव्यू। ईद के हवाले से छोटे छोटे पैगाम हैं और कोशिश करें कि छोटे छोटा 1 मिनट 30 सेकंड में अपना पैगाम रिकॉर्ड करके दें ताकि हम आप सब के चला सकें। और दूसरी, मैं आप में से हूँ, आप मुझे जानते हैं, मेरी उर्दू गलत है, ठीक है, मैं बातें करते हुए उल्टी करता हूँ, सीधी करता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों को मैं पसंद हूँ वो जब मुझे मिलते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि जैसा है जितना है बहुत अच्छा है, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा सीख जाएंगे, क्योंकि जो बड़े बैठे हैं, बड़ी टीवियों पर बैठे होते हैं, बड़े सेटअप पर बैठे होते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं, उनको एडिटिंग करने वाले बैठे होते हैं, एक स्टाफ होता है, करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, तो उनके बराबर जाना या उनके बराबर जाके बातें करना, बोलना, सीखना वक्त लगेगा, देर है, अंधेर नहीं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि कदम ब कदम आगे बढ़ें। ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह वो मकाम भी ज़रूर आएगा। अल्लाह पाक हम सब को ये खुशियाँ नसीब करे। और जो हमारे भाई इस दुनिया में नहीं आए, जिनके लवाकिन चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमाए और जाने वालों को जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अपने साथ साथ सब गरीबों को बार बार कह रहा हूँ, याद रखें, अपने दोस्तों को गोश्त की तकसीम में फ्रिज मत भरें। अल्लाह पाक ने ये कुर्बानी इसलिए की मेल बांटने और सुन्नत ब्रिमिया इसको अदा करना है, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक आप पे राज़ी होगा, आपकी कबूल करेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद। और अभी आप देखें चौधरी शुजा रहमान टीपू साहब का खसूसी
ईद के हवाले से एक पैगाम इसके बाद आपको दिखाएंगे उमर खान गर्देजी, और आप भी बन सकते हैं हमारे मेहमान ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरी तरफ़ से एक बार फिर मेरे डी के न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक, और ख़ासकर जो हमारे भाई स्पेशल पंजाब पुलिस 1122 वाले अहलकार, जितने भी हमारे भाई हमारी खातिर अपना ईद कुर्बान करके ड्यूटियाँ दे रहे हैं, अमन अमान को बरकरार रखे हुए हैं, उन सब को मेरी तरफ से और अहले इलाके की तरफ से पंजाब पुलिस 1122 रेस्क्यू अहलकारों को हमारी तरफ से दिल ईद मुबारक। अल्लाह रहमान मेरी, मैं चौधरी शुजा मंडी चीफ एग्जीक्यूटिव जैन अहमद कॉलोनी, मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिली ईद मुबारक, और अपने घरों में रहें, महफूज रहें, और गरीब इस ईद पर खसूसी गरीबों को हमेशा याद रखें और उनका भी हक उनको अदा करें।